बारंबार शुरुआत करी, थोड़ा बहुत वो भी हो रहा है। और अब सोलर आ गया, आपको याद होगा कि सोलर के लिए मैं 30-35 साल ट्राई कर रहा था मचाने के पास में। उस वक्त दुनिया में 2-3 एक्सपेरिमेंट हुए थे, पर हिंदुस्तान के अंदर पहला मचाने में लगने की बात थी। मैंने पूरी कोशिश करी कि सोलर पावर स्टेशन लगे, 4 दीवारी बन गई, पर मैं खुद पीछे पड़ा रहा। पर दुनिया भर के अंदर 2-3 प्रयोग हुए थे, वो फेल होते जा रहे थे। आखिर वो जो हम चाहते थे वो काम हो नहीं पाया। उसमें कई तरह के प्रस्ताव किए गए, आधा सोलर का हो जाएगा, आधा नेप्ता का हो जाएगा, पर वो सोलर प्लांट लग नहीं पाया। अब आपको जानकर खुशी होगी और जानते भी होंगे, वो बात तो मैं 30-35 साल ही कर रहा हूँ, लगातार कोशिश करते गए। पर अब तो आपका सोलर में इतना डेवलपमेंट हो गया है। तो आप सुन रहे थे जैव डीजल को लेकर ये बात कह रहे थे अशोक गहलोत। एक बार फिर से चलते सीधे जोधपुर। जगह जगह सोलर पावर प्लांट लगने लग गए हैं। शुरुआत हुई थी जो 16 रुपए प्रति यूनिट की दर आई थी, बहुत महंगी थी, अब वो 2.5-3 रुपए पे आ गई है। इस रूप में काफी कुछ बदला हुआ है। और साथ साथ में अभी जब चतुर्वेदी कह रहे थे कि बायोडीजल जो है ये जितना फैलेगा उतना समाज को लाभ मिलेगा, आज दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली के हालात में खुद आ गया, कुछ सोच नहीं सकता, गैस हालात बन चुके हैं। जीना मुश्किल हो गया, वहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया, बीमारी फैलती जा रही। 30% बीमारी, 30% बढ़ गए हैं दिल्ली के अंदर बीमारी से, इस धुएं से और जो पर्यावरण की बर्बादी उससे। तो राजस्थान में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी को कि आपको चाहिए कि खाली दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास राज्य वहां पे भी धीरे धीरे प्रदूषण फैलने लग गया, तो कैसे हम इसे बचाव करें। खाली दिल्ली सरकार नहीं कर पाएगी, दिल्ली सरकार के बलबूते पे नहीं है, वो चाहे तब भी नहीं कर सकते जब तक केंद्र सरकार आगे नहीं आएगी। तो मुझे खुशी हुई पूरा जो ये प्रोजेक्ट है देख करके कि शुरुआत करी है, आउटलेट पहला आउटलेट लग रहा है राजस्थान के अंदर। राजस्थान सरकार ने नीति बना दी है। रतन जोत की बात कर रहे थे, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की जो लाइसेंस देना पड़ता वो हमने समाप्त कर दिया, और चाहेंगे कि धीरे धीरे किस प्रकार से बायो डीजल के माध्यम से गाड़ी चले। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलने की खबर भी आती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने के लिए केंद्र सरकार ने काफी बार का मिस्टर गडकरी जी के बाद कह चुके हैं। तो अब एक शुभ संकेत तो यह है कि जो पहले ध्यान देते नहीं थे, अब हर व्यक्ति ध्यान देता है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे कैसे शिफ्ट हो। घरों के छतों पे लग जाएगी, सोलर पैनल लग जाएंगे, तो आपके घरों में भी बिजली पैदा खुद करोगे, खुद काम लोगे, बची हुई बिजली को ग्रिड में दे दोगे, उस पैसा आपको अलग मिलेगा। वो टाइम आ गया है और उसकी दिशा में काम भी शुरू हो गए देश के अंदर। खेतों में भी जो है एक्स्ट्रा भूमि पड़ी हुई है, वहां सोलर पैनल लग करके बिजली पैदा हो रही है, होगी, और वो बिजली को उसे पानी निकालेगी, काम आएगी। बची हुई बिजली से वो किसान जो है उसको बेच करके सरकार को पैसा कमाएगा। उस प्रकार से ये जो शुरुआत हुई है, रतन जो की बात की गई, जो पौधा होता है जिससे बनने की ज्यादा संभावना होती है, जो खा नहीं सकते हम लोग, खाद्य तेल निकलने वाली जो पौधे होते हैं उनका उपयोग करके लोग बनाएंगे। बड़े रूप में कैसे बना सके हैं, कैसे फैल सके हैं, सरकार उसमें क्या क्या मदद कर सकती है, कि गोचर भूमि है, बंजर भूमि है, वहां पर लग सकते हैं क्या, इस प्रकार की जो सोच है, मैं समझता हूँ कि उसको आगे बढ़ाने में सरकार कोई कमी रखेगी नहीं, और जो सुझाव आप देंगे उनको हम लोग हमेशा आगे बढ़ाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। 2007 में ही पॉलिसी बन गई थी राजस्थान के अंदर बायोफ्यूल की, और वही आज काम आ रही है आगे भी। और आगे मैं समझता हूँ कि जिस रूप में प्रयोग जो हो रहे नए नए, उस पर हम लोग जो अभी सोच रखते हैं राजस्थान के लिए, अभी मैंने एक मीटिंग करी जयपुर के अंदर कि बीमारी सबको लगती कभी न कभी, प्रयास करना चाहिए कि बीमार हो ही नहीं आदमी, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन की थीम लेके चले हम लोग। लेकिन रामेश्वर सिंह जी शर्मा थे जोधपुर के अंदर 35 साल पहले प्रिंसिपल,
फिर वो एसएमएस पे चले गए, जयपुर चले गए। वो व्यक्ति थे जो हमेशा इस दिशा में बात करते थे कि प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन कैसे हो, वो ही थीम हमने पकड़ी है अभी। क्योंकि राजस्थान में फ्री मेडिसिन की स्कीम पहले चल रही है, बहुत पावरफुल स्कीम है, बहुत कामयाब है। और उसके बाद में फ्री मेडिसिन के अलावा फ्री जांचें फ्री है, डायलिसिस भी हो चाहे सोनोग्राफी हो चाहे वो ब्लड की जांचें हो, अधिकांश जांचें फ्री कर दी गई है। जहां जहां मशीन लग गई है एमआरआई की और सीटी स्कैन की, वहां जो सीनियर सिटीजन है 60 साल के ऊपर या बीपीएल के लोग हैं उनके जांचें फ्री है, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री। इस प्रकार काफी हम आगे बढ़े हैं। और ये जो पर्यावरण की दृष्टि से जो नया संकल्प लिया है और जो काम शुरू किया गया, मैं समझता हूँ चिमन सिंह जी जब आए थे मिलने के लिए इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम मिस्टर पर्यावरण नौजवान है, वो इस काम को संकल्प के साथ लिया है तो उसको पूरा करेंगे। हम सबका आशीर्वाद सहयोग समर्थन के साथ रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। नाउ हम श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ जी से बात कर रहे थे कि मैं यही घोषणा कर दूं ट्रस्ट के लिए, तो अभी इतनी जल्दी बात क्यों करते हो, बड़ी नारा फरवरी के अंदर तब बात करेंगे क्या कर सकते। थैंक यू सो मच सर। श्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ जी से हम निवेदन करेंगे सीईओ पीडी, ताकि वो इंडिया फर्स्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हैंड ओवर करें, ताकि वो हमारे डायरेक्टर्स ऑफ राजपूताना बायोडीजल को फिट करें। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज़।